हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू सेलिब्रेशन ब्लॉग। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो पूरा न्यू ईयर पे पूरा बेस्ड है, और क्योंकि 2022 जा रहा है और 2023 वापस आ रहा है। वापस क्या आ रहा है, मतलब 2023 आ रहा है, सॉरी तो बोलने में थोड़ा वो हो गया, यानी 2022 जा रहा है और 2023 आ रहा है। तो 2022 को अलविदा कहना है और 2023 का वेलकम करना है, तो इसलिए हम लोग ने एक न्यू ईयर पार्टी का ऑर्गेनाइज की है। वो भी आप जैसे देख सकते हैं, हम लोग एक गोडाउन में आए हैं, और इस पार्टी को खाली मैं अकेला सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। और हमारे साथ देखिए, हमारे सब लोग यहाँ पे, ये लोग भाई लोग हैं, सब हमारे भाई हैं, मामा चाचा सबके लड़के हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस टाइम रात का बजा है 11:30, तो अभी हम लोग पार्टी करने बाद यहाँ से निकलेंगे थोड़ा बाहर के लिए, वहाँ का माहौल देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक गोडाउन में यहाँ लोग पार्टी करना है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। ये हो गए मेयोनीज, ये हो गए चिली सॉस, और ये रखी है कोल्ड ड्रिंक, और ये हो गया मोमोज, ये हो गया है चिकन पॉपकॉर्न, ये है चिकन लॉलीपॉप, और इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टर, चिकन ट्विस्टर, ये चिकन ट्विस्टर है, और ये चिकन बर्गर रखे हैं, ये भी चिकन लॉलीपॉप है, चिकन चिकन पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, और ये टोमेटो टोमेटो सॉस, सॉस है, मोमो सॉस मोमो सॉस है, और ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, इसे शायद शेजवान सॉस भी कहते हैं ना, हाँ इसे ये भी कहते हैं। तो ये सारा आइटम दूर से भी दिखा दूं मैं आपको, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, और पानी यानी सब का इंतजाम है यहाँ पे। एक बहुत ही तगड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पे इस टाइम न्यू ईयर का होने वाला है। पिज़्ज़ा, और हाँ, एक चीज बहुत ही खास चीज यहाँ की रह गई है, कि ये चीज छूट गई थी, ये ग्लास वगैरह सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि पिज्जा है, गोल्डन कॉर्न पिज्जा है ये, और बहुत ही बेहतरीन, ये हमारे अनबॉक्स पिज्जे की तरफ से ये हम लोग ने मंगाया है, और क्रिस्पी, ये कुछ इस तरीके का हम लोग का सेलिब्रेशन का पूरा इस तरह से के इंतजाम है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन लोग करते हैं, यहाँ पे होटल्स वगैरह में जाते हैं, या फिर जो नया लखनऊ है, जैसे बार वगैरह इस साइड पे लोग जाते हैं सेलिब्रेशन के। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं, काफ़ी साल से हम लोग जितने भाई लोग हैं, फिर से एक बार मैं आपको सबको दिखा दूँ, जितने भाई लोग हैं हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होके, पहले हम लोग घर में क्या करते थे, लेकिन ये इनका जो MSA टेंट हाउस है, इनका इनका गोडाउन है। तो जैसे कि देखिए, आप देख सकते हैं पूरा पीछे इनके टेंट का सामान वगैरह रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जगह हम लोग को मिल गई सेलिब्रेशन करने के लिए। तो यहाँ सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्टी हम लोग कैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो पिछले वाला बता दो जो पुराने गोडाउन में हम लोगों ने किया। हाँ, इससे पहले आप मेरे पुराने वाले चैनल जो है, जो मैं जिस पे मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, उस पे मैंने वहाँ का न्यू ईयर का ब्लॉग डाला हुआ है, लास्ट ईयर का। वो शायद हम लोग ने कोविड से पहले डाला था, तो वो पुराना वाला गोडाउन था। ये अभी हाल ही में रिसेंटली ये गोडाउन नया लिया गया है पूरा, इसको पूरा रेनोवेट करके पूरा अच्छे से ढंग से इसको बनाया गया है, सारा सामान यहाँ रखा है। खैर, तो यहाँ हम लोग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, और यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, वहां देखेंगे कि बाहर क्या वहां माहौल चल रहा है। अभी हो सकता है कि हम लोग घंटा घर जाए पूरा, सब लोग वहां जाके देखेंगे कि किस तरीके से वहां का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपको पूरा इसको सेलिब्रेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, खाने पीने का काम शुरू हो गया है, तो ये यहाँ देखिए लूट मार शुरू हो गई है न्यू ईयर पार्टी की। तो अभी हम लोग खाते हैं धीरे धीरे। तो बारी है पहले के पहली किस की, किस फिर मतलब इंस्टॉलमेंट किस। तो फिर अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ये लोग कैसे खा रहे हैं। तो ये जैसे देख सकते हैं, ये देखिए कैसे लूट मार यहाँ पे जारी है, और ये सज्जन ये हैं जो खाली केला खा रहे हैं। तुम केला क्यों खा रहे हो, इतनी चीजें तुम केला क्यों खा रहे हो, क्यों क्यों क्यों, वही जानना है पब्लिक को कि तुम केला क्यों खा रहे हो। खाली पेट की वजह से कि शायद इनका पेट गड़बड़, इसलिए ये केला खा रहे हैं। अब बारी है चिकन पॉपकॉर्न की, तो बीच रास्ता करते हुए बीच से जाना पड़ रहा है, और ये हमारे बहुत ही
मजबूत आदमी, ये देखिए मजबूत आदमी, ये देखिए मजबूत आदमी हमारे इधर अपना मुंह छुपा रहे हैं। तो ये बीच में किसी को रास्ता नहीं दे रहे हैं कि ये कोई लोग हटे तो यहाँ पे कुछ खाया जाए। तो फिलहाल इनको धक्का देता हूँ, फिर मैं इनको ला रहा हूँ, फिर ये आगे आगे। ये देखिए वीडियो बनाने का फायदा ये होता है कि लोग बड़े बड़े लोग जो भाग जाते हैं पीछे। वैसे एक आपको बात बताता चलूं कि हमारा एक बंदा अभी दुबई में है, इसका नाम यूसुफ है। तो लास्ट टाइम वो था इस टाइम, लेकिन वो दुबई में सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये एक उसकी तरफ से मैं खा लेता हूँ। और अब बारी है चिकन, चिकन लॉलीपॉप की। अब बारी चिकन लॉलीपॉप की, और इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फिदा भाई हैं, तो अब इसके खा के देखते हैं कैसा है। बेहतरीन है। अब ये है चिकन ट्विस्टर, जो कि जबरदस्त आइटम है, तो उसको भी टेस्ट करके देखते हैं कि कहिए कैसा है। तो गाइस खाने पीने का आइटम हो गया है, खाने पीने का पूरा सफा चट हो गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लूट मार हुई है। तो ये देखिए, ये है कुछ इस तरीके का मंजर यहाँ पे, कि सारी प्लेटें खाली हो गई, खाली एक आध चीज़ें, ये थोड़ी बस जो चटनी वगैरह है वो रह गई है, और ये कुछ इसका चूरा बचा, पॉपकॉर्न का चूरा बचा है, बाकी ये देख सकते हैं सब खाली हो गई। और ये बात दिखा दूँ कि इतनी बस कोल्ड ड्रिंक बची, ये भी 5 से 10 मिनट के अंदर ये भी पूरी गायब हो जाएगी। और ये क्या, ये तो पानी एक है। अबे दिखाओ तो वॉरियर थे। तो और मैं आपको दिखा दूं जो योद्धा थे हमारे, नहीं एक मिनट पहले मैं आपको ये दिखा दूं फिर से एक बार। फिर आपने देखा किस तरीके से सफा चट हुआ है। अब मैं बता देता हूं फिर से एक बार कि इसको गायब करने वाले योद्धा कौन थे। तो वो सारे ये योद्धा है जिन्होंने सफा चट की। एक योद्धा और है जो यहाँ से गायब है, जिसका देखा जाए बहुत बड़ा योगदान है खाने पीने में। तो ये है वो योद्धा, एक हाथ में भी पकड़े ये है, और देखिए हाथ में भी पकड़े है, ये देखिए ये योद्धा। तो खैर उन्होंने खाया भी है और हाथ में दबाया भी है, ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और हालांकि इन्होंने ये देखिए यहाँ पे, ये पीछे जब वीडियो बनी तो जरूर फेंक दिया, इसमें इनका जो बर्गर है वो है इनका। तो इन्होंने खाया भी और एक आध लोग का जो मारा है, यानी जो चिपकाया है किसी का, किसी यहाँ पे किसी एक का है, अभी पता नहीं किसका है ये। तो खैर ये इनको वापस किया जा रहा है कि अपना बर्गर ले ले। खैर तो बहुत मजा आया यहाँ पे पार्टी करने, बहुत एंजॉयमेंट करने, बहुत ज्यादा मजा आया। अब यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे घंटा घर के लिए, वहां देखेंगे वहां क्या माहौल है। तो इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहे, आपको वहां चल के दिखाएंगे कि वहां का क्या माहौल है। तो दोस्तों लगभग एक मिनट बचा है 12 बजने में, और सीधे हम लोग 2023 में इंटर कर जाएंगे। तो इस टाइम हम लोग रूमी गेट पे आए हैं, तो यहां काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो अभी हम लोग अंदर के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि शोर आप देख रहे हैं कि यहां पे 2023 का आगाज हो गया है, और फिलहाल काफी लोग तो यहां से अरजन की तरफ गए हैं। लेकिन यहां पे अब मैं आपको दिखा दूं कि शोर के साथ आपको पता लग जाएगा कि कितनी भीड़ है। मैं एक बार यहाँ राउंड करके दिखा देता हूँ कि मैं बैक साइड पे कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ का मैं नज़ारा दिखाता चलूँ कि देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और न्यू ईयर का यहाँ पे अच्छी तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पे लगी हुई है कि कोई किसी तरह की कोई चीज़ ना होने पाए, कुछ गलत चीज़ ना होने पाए। यहाँ पे केक कटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। तो भाई इस वक्त हम लोग रूमी गेट पे खड़े हैं और यहाँ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस टाइम 2023 लग गया है, और मेरे पीछे खैर आप देख सकते हैं कि पुलिस वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, ताकि कोई अनहोनी ऐसी चीज ना होने पाए कि जो अनहोनी हो। तो अभी यहाँ पटाखे वगैरह भी काफी तादाद में फूट रहे थे, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी यहाँ पे, ये देखिए। हालांकि काफ़ी पब्लिक आपको हजरतगंज में मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ जाना सही नहीं समझे, तो इसलिए मैं अभी रूमी गेट साइड पे आ गया हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस टाइम
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रूमी गेट का, तो फिलहाल काम नहीं करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में 2023 एक नई खुशियाँ लेके आए और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग 2023 मनाएं। खैर कुछ खट्टी मीठी यादें होती हैं पुराने साल की, लेकिन जो आने वाला साल है वो आप लोग की ज़िंदगी में भी नई नई खुशियाँ लेके आए, तो अभी देखते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ रूमी गेट पे हमारे तो नहीं घर हमारे जो दोस्त लोग हैं हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस टाइम सीधे आप जैसे मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है रूमी गेट का और पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे ताकि कोई अनहोनी ऐसी ना होने पाए यहाँ पे। तो फिलहाल अभी बस कुछ ही देर हम लोग यहाँ पे हैं, इसके हम लोग घर जाएंगे क्योंकि काफ़ी रात भी हो गई है इस टाइम। अगर देखूँ तो अगर मैं खड़ी अगर मैं साफ दिखाऊँ तो 12:05 इस टाइम मेरा टाइम घड़ी का सेम टाइम हो रहा है, यानी कि 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सबको एक बार फिर से मैं एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ और कामना करता हूँ कि ये 2023 आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ लाएँ। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई चीज़ के साथ, तब तक लिए बाय।